हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SF एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू MCQ सीरीज़ में। आज हम 29 एंड 13 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट और न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में हम द हिंदू और जो PIB की करंट अफेयर है उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं ताकि आपका जो करंट अफेयर का जो कंप्लीट फोल्डर है वो एक अच्छा पैकेज के तौर पे आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पर रहें और जो आपका प्रीलिम्स का क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल हो जाए और अच्छे तरीके से आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का स्कोर 8 से 10 आता है उसको बेस्ट इवैल्यूएशन कंसिडर किया जाता है, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। 6 से 8 आता है बहुत ही अच्छा गुड परफॉर्मेंस देखा जाता है। 6 से कम आता है मतलब आपको या तो आपसे कोई सिंगल क्वेश्चन आपका 5 से ऊपर आपसे बना नहीं है या फिर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी की आवश्यकता है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा, अगर 4 से कम आता है तो वहाँ पे क्राइटेरिया काफ़ी कम हो जाता है, आप सभी भी समझते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम को पास करना विच इज़ नॉट क्वाइटली पॉसिबल, सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ गोइंग टू डिस्कस अ फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इन कॉइस के ऊपर 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, की एक ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। सेकेंड है, INCOIS आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल फिशिंग जोन्स फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी, कि जो इनकॉइस है ये आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल फिशिंग जोन किसके लिए, फिशरमैन कम्युनिटी के लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर। चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, इसका आपको फुल फॉर्म, जिसको इनकॉइस कहा जाता है, फुल फॉर्म अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पेपर में मे बी ये पॉसिबल है कि इनकॉइस करके आपको दे दें और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसका फुल फॉर्म क्या है और फिर आपका स्टेटमेंट कुछ हद तक गलत हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी गलत हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक इट मे बी पॉसिबल कि यू माइट बी रॉन्ग, ठीक है। सो याद रखिएगा। चलिए, इनकॉइस जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में और ये एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ठीक है। और इनकॉइस है इसको जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, जिसको ITEWC कहा जाता है, कि इनकॉइस थ्रू इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इज द नोडल एजेंसी टू प्रोवाइड सुनामी एडवर्सरीज टू इंडिया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज़ में था, तो इनकॉइस ने ये अभी दावा किया, इसने प्रोक्लेम किया है कि जो इंडिया है वो काफ़ी मच सेफर है, ठीक है, पुराने समय से, कि अब यहाँ पे जो सुनामी की जो अर्ली वार्निंग होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाती है, इसलिए सुनामी से इंडिया मच देन सेफर है, ठीक है। और जो इंक्वायरीज है ये ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल फिशिंग जोन इसके लिए, फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, ठीक है। कंडक्ट करता है IOWAVE सुनामी मूव एक्सरसाइज जो बाइनली होती है, और ताकि स्ट्रेंथन की जा सके, मजबूती दी सके और रेडीनेस बनाई जा सके ताकि हैंडल करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन विद स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है जो है कि ये पोटेंशियल फिशिंग जोन को भी कवर करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर बेल्ट ऑफ इंटेंस डिफॉर्मेशन वेयर डिस्टिंक्ट टेरेंस और टेक्टोनिक यूनिट्स विद डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक मेटामॉर्फिक एंड पैलियोजियोग्राफिक हिस्टोरीज जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड। देखिए ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से बताना, क्योंकि इस तरीके की जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि एक लीनियर बेल्ट जिसमें इंटेंस डिफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, काफ़ी, मतलब जो डिफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ पे क्या है कि वो जो एक प्रकार के जो प्लेन है वो एकदम इक्वल नहीं होगा, तो वो इंटेंस डिफॉर्मेशन होता है। और जहाँ पे डिस्टिंक्ट टेरेंस, ठीक है, काफ़ी डिस्टिंक्ट टेरेंस होते हैं और टेक्टोनिक यूनिट्स होती हैं जो डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक की तरह काम करती हैं, जहाँ पे मेटामॉर्फिक और जो पैलियोजियोग्राफिक हिस्टोरीज
जो होती है एक तरीके से मिलती, मेटामॉर्फिक जो अभी काफ़ी हद तक न्यू जो टेक्टोनिक प्लेट है, और जो पैलियो जियोग्राफिक हिस्ट्रीज हैं जो काफ़ी थोड़ा सा पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, वो जहाँ पे आके एक जगह मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए शिट्योर जोन्स, ऑप्शन बी हार्ड जोन्स, ऑप्शन सी रॉक जोन्स, एंड ऑप्शन डी टेक्टोनिक जोन्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे ये जो चीज़ें जो टेक्टोनिक यूनिट डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक होती हैं, ये जहाँ पे भी जैसे मेटामॉर्फिक हो गया और जो आपका पैलियो जियोग्राफिक हिस्ट्रीज होती है जॉइंट जहाँ पे जॉइंट मिलते हैं इस पॉइंट को आप कहते हैं शिट्योर जोन्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा ताकि उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो जोन्स होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं ओनली रिकॉर्ड ऑफ डीप ओशनिक क्रस्ट एंड ऑफ एंशियंट सी फ्लोर प्रोसेसेस फॉर रफली द फर्स्ट 90% अर्थ हिस्ट्री। तो अर्थ की जो 90% हिस्ट्री है ना, वो लगभग इन्हीं जोन से मिलके बनी है। जो जैसे जो मेटामॉर्फिक जो आपके रॉक्स होते हैं और जो आपके पैलियोलॉजिकल जो रॉक्स होते हैं, जब ये आपस में आके मिलते हैं तो वहाँ पे सी फ्लोर प्रोसेस के जरिए, ठीक है, इस तरीके के जोन्स क्रिएट होते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहो तो इसका ये इन्फोग्राफिक आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हैं, देख लीजिए नीचे। ठीक है, तो ये कलर्न फॉल्ट ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे वेज कोर दिख रही है, ठीक है, फिर काबुआ फॉल्ट है। तो इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन होता है ये ऊपरी सतह पे चलता रहता है, और नीचे जो बर्मा आपने कॉन्टिनेंट माइक्रो ब्लॉक देखा, ये विक्टोरिया ब्लॉक, ठीक है, ये भी इस तरीके से नीचे ब्लॉक तैयार हो जाते हैं और नीचे आपका इंडियन लिथोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, जो सिट्योर जोन्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द वेरी वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म दैट इज इंड्यूस्ड बाय अ चेंज इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, कि ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वन वर्ड आपका आंसर पूछा है कि एक वेरी वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, कि सबसे वीक फॉर्म किसका? मैग्नेटिज्म मतलब एक प्रकार से मैग्नेट का, कि जो इंड्यूस करता है, काफ़ी प्रेरित करता है चेंज करने के लिए ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बुलाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी डायमैग्नेटिज्म, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म इज दैट फील्ड जहाँ पे एक वेरी वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म जो मिलता है, जो इंड्यूस करता है चेंज इन द ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स के, ताकि एक ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो याद रखिएगा, डायमैग्नेटिज्म इसका जाता है, और दिस मैग्नेटिज्म इज नॉन परमानेंट एंड परसिस्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिज्म होता है ये नॉन परमानेंट होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है, एंड परसिस्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब तक एक्सटर्नल फील्ड को इसमें जोर होता है तब तक ये वहाँ पे प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल इसका मूवमेंट होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड, और जो इसकी डायरेक्शन आती है वो अपोजिट होती है जिस फील्ड पे इसमें फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फैनी ब्रिज कनेक्ट बांग्लादेश विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए रिसेंटली फैनी ब्रिज को कभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना ये फैनी ब्रिज बांग्लादेश और विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, एंड ऑप्शन डी केरला। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो जो त्रिपुरा का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, याद रखें, मतलब साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें, वहाँ पे ये जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फैनी रिवर जहाँ पे जाती है वहाँ से इस ब्रिज को निर्माण इसका किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो रिवर है ये पास होती है सबरूम टाउन ऑन द इंडियन साइड एंड मीट करती है बे ऑफ बंगाल आफ्टर इट फ्लो इन बांग्लादेश। तो ये जो सबरूम टाउन है इंडियन साइड से होती जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है जब ये बांग्लादेश से फ्लो होती है। तो याद रखिएगा, फैनी ब्रिज इज नोन एज मैत्री सेतु इन चट्टोग्राम। ठीक है, तो इसको चट्टोग्राम में मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है आपसे इसका एक और नाम पूछा जा सके, तो ये आप याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना। द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर द फैनी रिवर एंड विल कनेक्ट त्रिपुरा एंड चत्तोगंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। तो चत्तोगंग जो पोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पे इसको मैत्री सेतु के नाम से और ये त्रिपुरा और चत्तोगंग पोर्ट को कनेक्ट करता है, तो ये याद रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस वॉज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कि इनमें से किसके द्वारा जो परंपरा सीरीज 2020 है, जो नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑप्शन ए नृत्य तरंगनी इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप विद नृत्य तरंगनी, एंड ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद द एड ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल। चलिए बताइए जल्दी से वीडियो को पॉज करके कि कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है नृत्य तरंगनी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको सॉरी कन्वर्ट नहीं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट अगर परंपरा सीरीज 2020 के बारे में आपको कुछ लिखने को आता है पेपर में, ठीक है, वहाँ से आप कुछ कोट करके मेंस में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको इन कुछ म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल्स के ऊपर, तो आप इस सीरीज़ का नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हो सकता है। और ये जो फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कोइंसीड करके वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जो अभी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, उसी के द्वारा कोइंसीड करके इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2020। तो किस स्टेट में यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को लॉन्च किया गया 2020 का? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटका, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ आपका केरला। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, कि किस स्टेट में जो यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड को अभी लाया जा रहा है, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को लॉन्च कर रही है 28 अक्टूबर 2020 को, और ये प्रोवाइड करेगा मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,000 रुपये ईच फॉर 2 ईयर्स ऑफ द लॉयर्स हु जस्ट कम आउट ऑफ लॉ कॉलेज। कि जो भी लॉ कॉलेजेस से जस्ट कम आउट हुए हैं, उन लॉयर्स को 3,000 रुपये ईच 2 साल के लिए फाइनेंशियल मंथली असिस्टेंस के तौर पर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर एडप्पड़ी पनालिस स्वामी हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये हैंड ओवर किया जाएगा असिस्टेंस टू 9 यंग लॉयर एट अ फंक्शन इन चेन्नई, जो चेन्नई में फंक्शन करेंगे एज मार्क ऑफ लॉन्चिंग इट थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट में काफ़ी अच्छा थ्रू पूरे स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए। इसमें जो भी एडवोकेट्स रहेंगे जो अभी रिसेंटली में ही अपना लॉ कॉलेज पास आउट करके रखे, उनको 2 साल तक के लिए 3,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। ठीक है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दिया हूँ, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, क्योंकि नीचे जो दिया हुआ है ये आप बार बार नेट में सर्च करते रहते हैं। यहाँ कुछ नेशनल पार्क दिए हैं, जैसे गेनेडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मनीर नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, ये सभी तमिलनाडु से आते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिमूव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान मैप। तो किस कंट्री ने रिमूव कर दिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और जो गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के मैप से? फर्स्ट है रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड ओमन एंड फोर्थ सऊदी अरेबिया। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है। ठीक है, ऑप्शन फोर मतलब सऊदी अरेबिया ने अभी ये इनिशिएटिव इसने लिया है, इसने ये किया है कि जो उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो पीओके और जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसको पाकिस्तान जो वाला जो मैप है उसमें से अलग कर दिया है। ठीक है, इसने रिमूव कर दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान मैप। सऊदी अरेबिया ने रिलीज़ किया 20 रियल
बैंक नोट एंड कैमेमोरेट इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द G20 समिट ऑन नवंबर 21, 22, 2020 में। तो उसके रिसेंट ये इनिशिएटिव लिया गया। पाकिस्तान हैड प्रीवियसली रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी ऑफ जूनागढ़ मानवदार इन गुजरात जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट ऑफ लद्दाख। अधिक ये तो सऊदी अरेबिया ने मैप से अपने में से अलग किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी रिसेंटली क्या किया था कि न्यूज़ में था कि इसने जो हमारा जो गुजरात का जूनागढ़ वाला जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का टेरिटरी उसको भी अपने मैप में ये बताना शुरू कर दिया था कि ये हमारा पार्ट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी लोकेशन तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, मैप में देख सकते हैं और इसके आजू बाजू की कंट्री भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 9th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड 2020। तो अभी जो 9th मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की है, इसको किसने होस्ट किया है? ठीक है, फर्स्ट है इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड रशिया एंड फोर्थ उज्बेकिस्तान। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना है कि किस नंबर की मीटिंग है। तो ये 9th मीटिंग है, ठीक है, जो SCO की है। और ये जो ट्रेड जो आपका फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड जो अक्टूबर 2020 के लिए जो मीटिंग है, ये इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इसको याद रखिएगा। इंडिया होस्टेड 9th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड के लिए ये मीटिंग जो है, ये 4 डॉक्यूमेंट इसमें अडॉप्ट किए गए, जिसमें इंक्लूड किया गया स्टेटमेंट ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ COVID-19 को भी रखा गया है कि इसके अंदर उसके लेके भी कुछ बातें की गई हैं। और बिसाइड्स इसके अलावा जो स्टेटमेंट है SCO की, कॉरपोरेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड, IPR के ऊपर भी उसमें बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि SCO को कब बनाया गया था नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ डिजिटल लाइब्रेरी टू हेल्प द स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन टू गेट द एजुकेशन कंटेंट इन डिजिटल फॉर्म फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी किस स्टेट ने डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट किया है, ठीक है, जो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करेगा एजुकेशन कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, याद रखना डिजिटल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकेंड गुजरात, थर्ड हरियाणा एंड फोर्थ उत्तर प्रदेश। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, मतलब उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव आपका हमारा लिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डिजिटल लाइब्रेरी ताकि हेल्प की जा सके स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में और अच्छे तरीके से एजुकेशन कंटेंट प्राप्त हो सके डिजिटल फॉर्मेट में। ये लाइब्रेरी हेल्प करेगी पुअर स्टूडेंट्स को, लॉट हु आर अनेबल टू परचेज कॉस्टली बुक्स। ठीक है, जहाँ पे वो कॉस्टली बुक नहीं परचेज कर सकते वहाँ इनको परचेज कर सकेंगे। और ये लाइब्रेरी है, ये मोर देन 35,000 ई कंटेंट रिलेटेड 134 सब्जेक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो 134 सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश में जिसके 35,000 कंटेंट है ई कंटेंट यहाँ पे मिल सकेंगे बच्चों को। ठीक है, और इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज मैनी एज 300 जिला परिषद स्कूल्स इन विच स्टेट विल सून बी मेड मॉडल स्कूल। की ऐसा मतलब एज मैनी एज जितने 3000 जो जिला परिषद स्कूल्स हैं ये किस स्टेट में हैं और जहां पे एक मॉडल स्कूल का फंक्शंस भी लाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड केरला एंड फोर्थ कर्नाटका। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, इसका जो राइट आंसर है दिस इज ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। तो ये जो इनिशिएटिव है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसको लिया गया है कि जहाँ पे पहले से ही 300 जिला परिषद स्कूल्स हैं और यहाँ पे जल्दी जल्दी मॉडल स्कूल फंक्शन भी बनाया जा रहा है। और ये जिला परिषद जो एजुकेशन ऑफिसर हैं हैव बीन डायरेक्टेड टू सेंड अ लिस्ट टू द स्कूल्स इन द जुरिस्डिक्शन बाय 6 नवंबर 2020। तो इन्होंने 6 नवंबर 2020 को इसका जो डायरेक्शन का जो जुरिस्डिक्शन है ये काम देख लिया था। और जो स्कूल है ये विल गेट अप्रोच रोड्स टू लेट्स ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम साइंस लैब्स क्वालिटी एजुकेशन एंड विल फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो दीज आर सम सब्जेक्ट वेयर दिस स्कूल विल फोकस, सो एवरीबडी नीड्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, होपफुली यू विल रिमेंबर।
ठीक है, एंड जो भी स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।